नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और उनका स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना 20 सैनिकों ने, एक कर्नल ने अपना बलिदान दिया। चीन ने जो धोखे से उनको उन पे हमला किया और उनकी शहादत हुई, उनके उनको मैं नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। स्वदेशी और स्वावलंबन, अगर हम इसको थोड़ा एक बड़े कैनवास पर देखें तो दुनिया एक रास्ते की खोज में है। वो कौन सा रास्ता हो, वो कौन सा तरीका हो जिससे दुनिया को चलाया जाए, जिसमें सभी प्रकार के संतुलन रहें, प्रकृति में, मनुष्य में, पर्यावरण में, शेष अन्य जीवों में। वो तरीका कौन सा हो, अनेक तरीकों पे बहस होती है। कैपिटलिज्म के मॉडल पे होती है, कम्युनिस्ट मॉडल पे होती है। भारत का एक अपना दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है अनादि से अनंत, उसमें पूरा विकास मॉडल आ जाता है। हमारा ये मानना है कि ये हम जो अपना जो भी 80, 90, 100 साल का जो जीवन हम जीते हैं, इसमें हमें कुछ विरासत में मिलता है। नदी मिलती है, वायु मिलती है, बीजों की गुणवत्ता मिलती है, भूमि की उर्वरता मिलती है, विभिन्न प्रकार के नस्लों के जीव मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, संस्कृति मिलती है, अध्यात्म मिलता है, उद्योग, व्यापार, अनेक प्रकार की चीजें, कला, साहित्य, रास, रंग, विज्ञान, ये हमें मिलता है। और हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिए कि अगली पीढ़ी को ये सभी चीजें और अधिक समृद्ध होकर उनको हम सौंपें। इसी को आधुनिक टर्म्स में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो भारत का ये जो दृष्टिकोण है अनादि से अनंत का, यही एक मूल एक अधिष्ठान है, मूल विचार है। क्योंकि तो हमारे यहाँ व्यक्ति को केवल भौतिक जीव नहीं माना गया, केवल आर्थिक जीव नहीं माना गया, मनुष्य भौतिक जीव भी है, मनुष्य सामाजिक जीव भी है, मनुष्य आध्यात्मिक जीव भी है। तो उसकी सभी प्रकार की गतिविधियां, उसको चार तरीकों से कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सभी प्रकार की गतिविधियां करेंगे, होंगी, किंतु वो धर्म से नियंत्रित होंगी, धर्म अधिष्ठित होंगी। तो विकास मॉडल का जो हमारा मूल एक बेसिक आइडिया है वो अनादि से अनंत का है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम वर्तमान में देखें तो कोरोना ने हमें ये बताया है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे। कोरोना, इसमें कुछ शक नहीं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये चिंगारी है या छोटी मोटी लपट है, किंतु अगर कोई व्यक्ति बारूद के ढेर पर नहीं बैठा तो कोई छोटी चिंगारी या छोटी मोटी लपट विस्फोट नहीं कर सकती। वैश्वीकरण के नाम पर हमने जो विकास का मॉडल अपनाया, जो मैं कठोर शब्द प्रयोग करूंगा, भयानक रूप से केंद्रीयकरण किया चीजों का, उसके कारण से समूचा तंत्र वो एक बारूद के ढेर पर हो गया। और
और कोरोना की चिंगारी या कोरोना के लपट ने पूरे विश्व में एक विस्फोट किया है। वो विस्फोट अर्थव्यवस्था के रूप में हम देखें तो मात्र 15 दिनों के 20 दिनों के लॉकडाउन में ग्रोथ नेगेटिव चली जाती है। रोजगार की स्थिति, करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाते हैं। विश्व के सबसे विकसित होने का दावा करने वाले देश, WTO की अवधारणा के जनक वाले देश, वहां 25-25 शहरों में कर्फ्यू लग जाते हैं। वहां कोरोना के भय में अगर 2013 के बाद देखें तो मार्च के महीने में, अकेले मार्च के महीने में सर्वाधिक हथियार लोगों ने खरीद लिए अमेरिका में, इस भय से कि अराजकता फैलेगी। वहां हमने भूखे लोगों की फूड कूपन्स की लाइनें देखी हैं, कर्फ्यू लगे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो हमने करोड़ों श्रमिकों को किस अवस्था में, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, वो देखा है। ये पता लगा है हमें, समाज का जो अभिजात्य वर्ग है वो गिने चुने कुछ हजार लोग हैं जिन्होंने पूरे ओपिनियन मेकिंग मैकेनिज्म पर, पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म पर कब्जा किया हुआ है। वो सच्चाई बाहर नहीं आने देते। वो बड़े महंगे और भव्य कार्यक्रमों के द्वारा सच्चाई को दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। कोरोना ने हमें बताया है कि वो देश के साथ कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अगर कोरोना का संकट नहीं आता तो कैसे पता चलता कि हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था को, विकास के मॉडल को डिजाइन किया है कि 90 करोड़ लोग जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी सरकारी सहायता अथवा सस्ते राशन पर निर्भर हैं। ये बहस कभी मुख्य धारा में नहीं आई थी। इसको कभी बड़े बड़े जो अर्थशास्त्रियों की बैठकों में, चाहे वो अमिताभ सी अपना नीति आयोग के CEO हो या वाइस चेयरमैन हो या पॉलिसी मेकर्स हो, वो सब कोई धौला कुआं से मानेसर पानी में बसों के सपने दिखाता है तो कोई कुछ दिखाता। कोरोना ने हमें बताया कि हम कहाँ खड़े हैं और कोरोना ने इस डिबेट को फोकस में लाया कि 90 करोड़ लोग अगर किसी ना किसी सहायता पे आश्रित हैं तो भारत का शीर्ष उद्योगपति एक दिन में 317 करोड़ रुपए रोज भी कमाता है। तो ये जो विकास का मॉडल है ये इतना विषमतापूर्ण है, ये इतना शोषणकारी है कि ये लंबे समय तक चल नहीं सकता। नाइदर दिस डेवलपमेंट मॉडल इज इंक्लूसिव एंड नॉर इट इज सस्टेनेबल। हम अगर देखें तो दो प्रकार की व्यवस्थाओं में एक बार फिर हम उस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि दो प्रकार की विचारधाराएं स्पष्ट आमने सामने खड़ी है। एक विचारधारा है जो पश्चिम की है जो कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब दुनिया का मॉडल, दुनिया की रचना, दुनिया का आर्थिक तंत्र, दुनिया की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इस प्रकार से निर्माण की जाएंगी कि उसमें सबसे ताकतवर ही जिएगा, सबसे ताकतवर के बच्चे के लिए ही सब कुछ होगा, बेहतरीन स्कूल होंगे, बेहतरीन अस्पताल होंगे, बेहतरीन मनोरंजन के साधन होंगे, बेहतरीन मॉल्स होंगे, कहने का मतलब सभी प्रकार की सुविधाएं उसके लिए होंगी। दूसरी तरफ स्वदेशी जागरण मंच जिस विचारधारा को मानता है, दुनिया इस तरीके से नहीं चलेगी, हम इसको इस तरीके से चलने नहीं देंगे, दुनिया चलेगी सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट के मॉडल। मां के गर्भ में आने से लेकर अपनी गति को प्राप्त होने तक सभी जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को कम ज्यादा अपनी योग्यता के अनुसार जीते हुए अपनी गति को प्राप्त करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की विचार को, इस व्यवस्था को
कितने ही संघर्ष करने पड़े और किससे भी संघर्ष करना पड़े हम सुनिश्चित करेंगे। यह वैज्ञानिक व्यवस्था है, यह हमारा कोई दुराग्रह नहीं है। इसके पीछे क्या विज्ञान है? पूरी सृष्टि में कोई भी स्वावलंबी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो वो गलत फहमी में, और पूरी सृष्टि में कोई तत्व ऐसा नहीं है, कोई जीव ऐसा नहीं है जो पूरी तरह किसी दूसरे पर परावलंबी हो। ना कोई स्वावलंबी है ना कोई परावलंबी है, हम सब परस्परावलंबी हैं। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। और ये परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है, और ये श्रृंखला अपने अंतिम छोर पर जाकर वसुधैव कुटुंबकम का चक्र बनाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का एक साइंटिफिक फार्मूला बनाती है, और ये फार्मूला पृथ्वी के सर्वाइवल की गारंटी है, अस्तित्व की कसौटी है, डेवलपमेंट का अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक फार्मूला है। इसमें से एक भी कड़ी टूटेगी, मनुष्य अर्थ प्रकृति विज्ञान ईश्वर, इसमें से एक भी कड़ी टूटेगी तो सभी कड़ियां टूटेंगी। तो भारत का जो ये मूल विचार है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इंक्लूसिव नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये अल्ट्रा मॉडर्न नहीं है, ये एज पर द एरा एज पर द चेंजिंग टाइम्स अपने आप को अपडेट नहीं करता है, तो इसलिए इसका ढहना तय है। लेकिन ये सबको नष्ट करे उससे पहले हम इसको नष्ट करके एक साइंटिफिक फार्मूला सर्वाइवल ऑफ द वीक फिट वीकेस्ट का हम उसको लागू करें। ये एक आध्यात्मिक पक्ष या हमारे वैचारिक अधिष्ठान का मैंने एक पक्ष को चर्चा की। वर्तमान में अगर हम व्यवहारिक पक्ष की तरफ अगर आए तो 1991 में हम उसको WTO कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में एक वाशिंगटन कंसेंसस है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का और अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और वो इसी आध्यात्मिक विचार से निकला है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मनुष्य ही अंतिम है, उसके लिए सब चीजें हैं, इसलिए अत्यधिक उपभोग आधारित जीवन, अत्यधिक उपभोग आधारित विश्व व्यवस्था। हम अगर उसके पैरामीटर्स पे देखें, मैं कोई अमेरिका के प्रति मेरा दुराग्रह नहीं है, लेकिन इस विश्व व्यवस्था का उसने अगुवाई की, उसको लीडरशिप दी, तो उसी का अगर हम आकलन देखें तो अनेक चीजें अमेरिका की अगर हम देखें तो वहां प्रदूषण का स्तर क्या है, प्रति व्यक्ति 20 टन प्रति वर्ष CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस का उत्सर्जन। भारत का अगर हम देखें 1980 के आसपास तो 800 किलो था, हम भी वैश्वीकरण के जाल में फंसे तो आज 1920 किलो तक हम पहुंच गए। तो उसकी जीवन शैली का पर्यावरण से कोई तालमेल नहीं है। हमारे यहां 7 जन्मों का साथ ये माना जाता है, वहां 1 जन्म में 7, अत्यधिक उपभोग जीवन के हर क्षेत्र में, वहां आधे से ज्यादा परिवार सिंगल पेरेंट। अगर हम वहां वाहनों को देखें तो अमेरिका में प्रति 1000 पर 900 वाहन हैं, भारत में तो 20 हैं, और वाहन भी कैसे कैसे, जहां यहां तो पूछते हैं कि गाड़ी कितनी एवरेज पे चलती है, क्या एवरेज देती है, वाहन भी ऐसी ऐसे कीमत 16-16 करोड़ और गैलन में। बिजली खपत देखें तो 10,000 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, भारत में तो अभी 1000 भी नहीं पहुंची है। हथियार अगर देखें, क्योंकि जब अत्यधिक उपभोग आधारित और शोषण आधारित और बिना आध्यात्मिक अधिष्ठान के आप जीवन जीते हैं तो मन में भय सताता है, फिर नींद नहीं आती। जहां एक और वो अनेक प्रकार की गोलियां नींद के लिए लेते हैं, दूसरी तरफ
अपने उसी प्रकार के सुरक्षा बोध के कारण वहां 100 आदमी के पास 110 हथियार। अगर अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है तो लोगों के पास 36 करोड़ हथियार है। भारत में 135 करोड़ की आबादी है, भारत में लाइसेंस वेपन सिविल वेपन जो लोगों के पास है वो तो सिर्फ 65 लाख है। कहने का मतलब उनके हम जितने भी पैरामीटर्स देखें, प्रदूषण का, ऊर्जा खपत का, उपभोग का विवाह का जैसे बताया, अगर 11 करोड़ परिवार है तो 130 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड्स, ये सब उपभोग आधारित जीवन जीने के लिए उनको धन चाहिए। और वहीं से WTO निकलता है। विश्व के जितने विकासशील देश हैं उनका सर्विस सेक्टर, उनका इंडस्ट्री सेक्टर, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर, उनका ट्रेड सेक्टर, केवल सेक्टर्स ही नहीं बल्कि आगे उनकी बायोडाइवर्सिटी पर IPR के द्वारा कब्जे करके रॉयल्टीज, ऐसा करके अमेरिका की जो अर्निंग्स हैं वो उसके बजट की 2/3 से ज्यादा है। वो दुनिया का शिकार करने निकलता है, दुनिया के सभी प्रकार के रोजगार का शिकार करने निकलता है, भले ही कोई सड़क पे गोलगप्पे बेच रहा है और भले ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैंक ऑडिट करके पैसा कमाता है और भले ही कोई किसान खेती करता है, वो हर सेक्टर पर, ये जो बिग फोर आई है ये उसी प्लान का हिस्सा है जिन्होंने हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बड़े बिजनेस पे कब्जा किया है, हमारी बैंकिंग के ऑडिट्स पे कब्जा किया है, कंसल्टेंसी पे कब्जा किया है। ऐसा करके उसके जो कंपनीज आती हैं और यहाँ से पैसा ले जाती हैं उस पे अमेरिका लगभग 35% की दर से कॉरपोरेट इनकम टैक्स लगाता है। ऐसा करके जो पैसा आता है वो 2/3 ऑफ अमेरिकन बजट का रेवेन्यू कलेक्शन में आता है। हमारे यहाँ WTO का मेंबर बने, उसमें चीटिंग हुई, उन्होंने हमें ग्लोबल फैमिली कहा, हमने कहा हम तो वसुधैव कुटुंबकम बहुत साल से कह रहे हैं, ये 300 साल पुराना देश जिसका कोई अभी सीख रहा है, बच्चा है, एक राष्ट्र जीवन के, एक समाज जीवन के अनेक आयाम होते हैं, वो हमें ग्लोबल फैमिली सिखा रहा है, तो ध्यान में आया कि ये आउट ऑफ मार्केट ये आइडिया है, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ये आइडिया नहीं है। तो जो उसके स्ट्रेंथ एरिया थे टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, उसके लिए वो चाहता था कि दुनिया खुले, लेकिन हमारा जो स्ट्रेंथ एरिया था ह्यूमन रिसोर्स, और किसी भी प्रोडक्शन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेजर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो जो उसके स्ट्रेंथ एरिया थे उसके लिए उसने एंश्योर किया उसके अंदर कि वो ग्लोबल फैमिली बने, नो टैरिफ, नो रिस्ट्रिक्शंस, नॉन टैरिफ बैरियर्स, और बाकी जो विकासशील देशों के जो स्ट्रेंथ एरियाज हैं उस पे वो कभी वीजा फीस लगाता है, कभी उसके नंबर को लिमिट करता है। तो ये ईमानदार ग्लोबलाइजेशन का मॉडल नहीं था। भारत के संदर्भ में देखें तो जब 1991 में हम इसके सदस्य बने तो 9.8% ऑफ द GDP हम विदेश से आने वाले माल पर टैक्स कस्टम ड्यूटी के रूप में लेते थे। आज घटकर 4.8 समथिंग ऐसा आधा रह गया है। और स्वदेशी जागरण मंच ने एक स्टडी किया है, लगभग 8 लाख करोड़ रुपया उसके कारण से हमें जो हमने टैरिफ अपने बैरियर्स खोले उसके और भी असर पड़े। हमारी जो MSME थी, जो लेबर इंटेंस होती थी, बहुत करोड़ों लोगों को रोजगार देती थी, वो कमजोर होने शुरू हुई, उसमें लगे हुए करोड़ों लोग बेरोजगार होने शुरू हुए, वो एक एंगल है। लेकिन हम जो टैक्स रेवेन्यू टैक्स GDP रेशियो था हमारा विदेशों से आने वाले माल आयात पर, वो 9.8 से वो आधा रह गया, 8 लाख करोड़ का हमारा नुकसान। सरकारें उसको कैसे कंपनसेट करती हैं? 3 तरीकों से। 91 के बाद अगर हम देखें रेवेन्यू कंपनसेशन कैसे हुआ, विदेशों से आने वाले माल पर जो हमारा टैक्स घटा, आमदनी घटी, सरकारों ने 3 प्रकार के रास्तों से उसको कंपनसेट करना शुरू किया। पहला, नए नए टैक्स लगाना। 95 में पहली बार
पांच चीजों पर सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले सर्विस टैक्स की कंसेप्ट ही नहीं थी, और उसके बाद पूरी सीक्वेंस है बड़ी चालाकी से जनता को ट्रैप किया गया। सर्कल रेट की कंसेप्ट लाए, सर्कल रेट उसका कारण बताया गया कि ब्लैक मनी में ट्रांजैक्शन होता है। अगर एक आदमी, ठीक है आपने सर्कल रेट कर दिया, एक आदमी 1 करोड़ रुपया लेके प्रॉपर्टी को लेता है सर्कल रेट की, उसपे तो उस पर फिर 8% स्टॉप ड्यूटी, बैंक चार्जेस, दिल्ली एमसीटी को अगर हम देखें म्यूटेशन चार्जेस 15 गुना बढ़ा दिए गए। ऐसे बहुत सारे नए नए टैक्स लगाने शुरू किए। दूसरा, लोक कल्याण के नाते सरकार का कुछ दायित्व होता है और नागरिकों का अधिकार होता है। पांच चीजें हम बुनियादी कह सकते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो कि या तो निशुल्क हो या सब्सिडाइज्ड हो या बहुत हुआ तो कॉस्ट बेस्ड। सरकारें अपने इस दायित्व से, उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं से हाथ खींचना शुरू किया, खर्चों से हाथ खींचना शुरू किया और इसको प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर किया। भले इससे जीडीपी बढ़ा, हमारे देश का अगर जीडीपी देखें तो हेल्थ, एजुकेशन, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसका इतना मैं अभी एग्जैक्ट नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं रफली कह सकता हूँ 30-35% की ग्रोथ है। और ये जब बाकी देश के जीडीपी में हम क्लब करते हैं तो जाके हमारी ग्रोथ 6-7% बन जाती है। अदरवाइज इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो हमारी तो 1-2% की ग्रोथ नहीं होती। जो लोक कल्याणकारी कार्य सरकार के जो दायित्व थे उनको निजी हाथों में सौंपा, हुआ क्या कि अगर किसी का किडनी हो गया, किसी को बीमार हो गया तो पूरे जीवन में 50-100 गज का मकान बनाया था निकल गया। और तीसरा काम सरकार ने यह किया, समाज में कुछ आवश्यक बुराइयां होती हैं, समाज होगा तो बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी, लेकिन बुराइयों को कभी मुख्य धारा नहीं बनाता समाज। वो होती है और एक कोने में पड़ी रहती है, उसको समाज हिकारत की दृष्टि से देखता है और वो मेन स्ट्रीम, वो समाज सोसाइटी की धारा नहीं बनती। सरकार ने समाज की इस प्रकार की जो चीजें मुख्य धारा नहीं बनती उनको मुख्य धारा बनाया, जैसे शराब। शराब की बिक्री होती थी पहले, लेकिन हम जानते हो कि अगर जो पुराने लोग हैं, शराब का ठेका गांव से बाहर कहीं दूर होता था और वो तो अच्छी स्थिति में नहीं होता था, वो डेकोरेटिव नहीं होता था, वहां फ्रिज नहीं होते थे। सरकार ने उसको मेन स्ट्रीम में लाई और शराब की दुकानें अधिकाधिक खुलेंगी, ड्राई डे कम किए जाएंगे, वहां फ्रिज रखे जाएंगे, शराब के अनेक फ्लेवर्स होंगे, महिलाओं के लिए भी शराब होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। हुआ क्या कि कोरोना ने बताया कि सरकार 15 दिन भी शराब की दुकान बंद नहीं कर सकती। हम देश को कोई उद्योग, व्यापार, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर के टैक्स से नहीं चला रहे हैं, हम लोगों को शराब बेचकर हम उस पर हमारा टैक्स सिस्टम शिफ्ट कर गया है। पिछले वर्ष आपको हैरानी होगी 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकारों ने जनता को शराब बेचकर टैक्स से कमाया। शराब पर लगभग 35-40% टैक्स होता है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए कमाया तो शराब बनाने वाले ने, शराब बेचने वाले ने कितना कमाया होगा। और वो सारा पैसा हमारे घरों की गरीब परिवारों के राशन का है, बच्चों के दूध का है, स्कूल की फीस का है। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो हमने अपने टैरिफ बैरियर्स हटाए उसके कारण से सरकार ने 3 रास्तों से उसको कंपनसेट करना शुरू किया। उसकी चिंताएं छोड़ दी, इसके कारण जो इंडस्ट्री बंद होंगी, उसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, तो अभी आया था कि पिछले 20 साल में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट हमारी देश में आई है। भारत का एक रोजगार का ढांचा अलग है,
हर देश की अपनी तासीर होती है, हर देश की अपनी जरूरत, कमजोरी, मजबूरी, परिस्थितियां होती हैं। हमारी तासीर के हिसाब से हमारा विकास मॉडल हमने छोड़ा। हमारे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 90% प्लस एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देता है। पूरा कॉरपोरेट इंडस्ट्री को देख ले, ऑर्गेनाइज सेक्टर को देख ले, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज को देख ले, तो 3-4 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं। ये 90% प्लस को अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिटेल सेक्टर को देखें तो 1 करोड़ 10 लाख दुकानें हैं, 5 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। रोजगार की क्वालिटी क्या है? जो है, जहां है, जैसा है, गांव में है, शहर में है, कस्बे में है, अनपढ़ है, 10वीं पास है, एमबीए फाइनेंस है, 5,000 की पूंजी है तो 100 मंगल बाजार में बेच लेगा, 50 लाख की पूंजी है तो कहीं जिला में अच्छा शोरूम खोल लेगा, 5 करोड़ की पूंजी है तो बनारस में दुकान खोल लेगा, अंधा है, बूढ़ा है, विकलांग है, विधवा है, आगे दुकान पीछे मकान, ऊपर दुकान नीचे मकान। तो कहने का मतलब हमारा रिटेल सेक्टर 1 करोड़ 10 लाख दुकानें 5 करोड़ लोगों को जो है, जहां है, जैसा है कि बेच पर रोजगार देता है। अब हम अगर अमेरिकन सिस्टम ले आएंगे रिटेल का तो क्या होगा? वॉलमार्ट का मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कुछ समय पहले मैंने स्टडी किया था 2010 का। वॉलमार्ट ने 2010 में लगभग उतना ही माल बेचा जितना भारत के पूरे रिटेल सेक्टर ने बेचा, रफली $400 बिलियन। उस वक्त डॉलर 50 रुपए का था। भारत का रिटेल सेक्टर ने लगभग $410 बिलियन का उसका रिटेल सेक्टर था, लेकिन वॉलमार्ट की दुकानें कितने थी? 9,884 स्टोर्स थे वॉलमार्ट के 28 देशों में। कर्मचारी कितने थे? 21 लाख। और अगर हम वॉलमार्ट को लाते हैं कि वॉलमार्ट रिटेल में आएगी और 25,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, वो एम्प्लॉयमेंट देगी नहीं, वो 1 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट खाकर तब 10,000 लोगों को देखेंगी। इसको अगर हम क्रॉस चेक भी करें तो भारत का रिटेल सेक्टर 3.5 से 4 लाख के टर्नओवर पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। अगर हम टॉप कॉर्पोरेट्स को उठा लें वो 3 से 5 करोड़ के टर्नओवर पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्या होती है? डिलीवरी बॉय। हमारे यहाँ अगर कोई लड़का किरियाने की दुकान पे काम करता है, 5 साल कर लेता है, कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है कि मैं अपनी दुकान कर लूंगा। कहां से माल खरीदना है, क्या क्या आइटम्स होती हैं, लोगों को क्या डिमांड है, कितने प्रॉफिट में बेचना, वो बहुत स्किल्स लेता है। वहां डिलीवरी बॉय और अनुभव आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, वहां जो है, जहां है, जैसा है के आधार पर रोजगार नहीं। तो भारत का जो ये सेक्टर्स हैं, 1 करोड़ ट्रक चलते हैं उस पर इनकी नजर है, तो 3 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। भारत के 4 लाख किलोमीटर के जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, उनके किनारे जो ढाबे हैं उस सेक्टर पे इनकी नजरें हैं। भारत का जो लेबर सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, लेबर ब्यूरो का डाटा है, 3 करोड़ हमारे यहाँ राजमिस्त्री है। अब अगर रोबोटिक मशीन आएगा इस नाम पर कि हम कंस्ट्रक्शन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे, रोबोटिक मशीन 1 दिन में 1,000 ईंट लगा देगा, तो हमारे 3 करोड़ लोगों का क्या होगा? कहने का मतलब हमें अपना डेवलपमेंट का मॉडल अपनी जरूरतों, परिस्थितियों के हिसाब से बनाना पड़ेगा। 1991 में हमें कहा गया कि आप खोलिए भारत, आपको खुशहाली मिलेगी। आज हम 2020 में खड़े हैं, 30 साल का वक्त हो गया है। ये काफी होता है, बैलेंस शीट को एक बार देखें दोनों साइड्स को। 1991 में मैं 5-7 डाटा आपको देता। 1991 में डॉलर 18 रुपए था, आज 76 पार है। 1991 में ट्रेड डेफिसिट $2.8 बिलियन था, आज $200+ बिलियन हमारा क्रॉस कर गया है ट्रेड डेफिसिट। 1991 में दुनिया में अगर 100 महिलाएं आत्महत्या करती थी तो उसमें भारत की आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या होती थी
2016 में दुनिया में अगर 100 महिलाएं आत्महत्या करती हैं तो भारत की आत्महत्या करने वाले महिलाओं की संख्या 1.5 गुना बढ़कर हो गई 37, पुरुषों की संख्या 18 से बढ़कर हो गई 25। 1991 में लिव इन तो नहीं होता था, LGBT भी नहीं होता था, सेक्शन 497 को भी रिमूव नहीं किया गया था, आज तो सब कुछ है। 1991 में 1 तलाक होता था, 2016 में तलाक तो 18 गुना बढ़ गए। 1991 में अगर हमारा प्रदूषण 800-900 किलो होता था तो आज तो 2000 किलो हो गया। कहने का मतलब भूमि का बंजरीकरण। अभी COP14 हुआ था नोएडा में सितंबर में, प्राइम मिनिस्टर गए थे, बताया गया देश के 900 लाख हेक्टेयर फर्टाइल लैंड डेजर्टिफिकेशन की तरफ चली गई। हमारा ग्राउंड वाटर 283 जिले डार्क जोन में चले गए हैं। नीति आयोग की अनेक रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि भारत एक संकट पे खड़ा है। कहने का मतलब हम अर्थव्यवस्था देखें, डॉलर देखें, ट्रेड डेफिसिट देखें, एनवायरनमेंट देखें, वाटर देखें, सॉइल देखें, हेल्थ देखें, डिवोर्सेस देखें, सुसाइड्स देखें, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ जो मैं कहा गया था कि आप वैश्वीकरण के लिए दरवाजे खोलिए। तो अब रास्ता क्या है, मैं अपने लास्ट पार्ट पे आता हूं। जी, रास्ता है कि हमें वापिस अपना आकलन करना होगा कि हमारी ताकत, कमजोरी, जरूरत क्या है। हमारा स्ट्रेंथ एरिया कैपिटल नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ एरिया टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ एरिया है क्या? तो हमारा स्ट्रेंथ एरिया है कि 2% पूरी दुनिया की हमारे पास जमीन है और उसमें से 1% कल्टीवेबल है, फर्टाइल है। लेकिन हमारे पास दुनिया के 20% लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक सेंसस 2011 को देखें तो हमारे यहाँ 52 करोड़ मवेशी हैं, 19 करोड़ 10 लाख गौवंश है, 10 करोड़ 80 लाख भैंस हैं, बाकी अदर दूसरे लाइफ स्टॉक से। हमारे पास से पूरी दुनिया का लगभग 18% ह्यूमन रिसोर्स है। कहने का मतलब दुनिया की 2% हमारे पास जमीन, उसमें से 1% लैंड कल्टीवेबल, और वो कल्टीवेबल 1% लैंड को भी अगर देखें तो उसको 3 हिस्सों में है, अनइरिगेटेड, 1/3 अनइरिगेटेड है, 1/3 रेन फेड है, और 1/3 एश्योर्ड इरिगेशन वाली है। हमारे पास 1/3 एश्योर्ड इरिगेशन वाली लैंड है। कहने का मतलब दुनिया की 33 पैसा, दुनिया में अगर 100 रुपए भूमि है तो सिर्फ 33 पैसा हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन वाली लैंड है, और हमारे पास दुनिया के 20% लाइफ स्टॉक और 18% ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी 38 रुपया। दुनिया 100 रुपए माने तो 33 पैसा जमीन में से हमने 38 रुपया जीवों के लिए हमने भोजन चारे की व्यवस्था करनी है। और ये शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम मल या शीतलाम धरती है जिसका किरीट हिमालय है, सागर पैर पकारता है, जिसमें 500 से अधिक एग्रो सब क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जिसमें इतने बायोडायवर्सिटी है, एक ही समय में +50 डिग्री टेम्परेचर है, -50 डिग्री टेम्परेचर है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इन सबके कारण इतनी बायोडायवर्सिटी है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहाँ है। और बायोडायवर्सिटी में भी देखें तो एक एक नस्ल की हजारों किस्में, बैंगन है तो 3000 प्रकार का, केवल उत्तराखंड में राजमा देखें तो 100 से अधिक प्रकार की राजमा उत्तराखंड में है, आम है, चौसा भी है, लंगड़ा भी है, तिल भी उगता है, ताड़ भी उगता है, कट्टी इमली भी उगती है, गुस्से गूदे से भरा हुआ आम भी उगता है, बकबका चीना भी उगता है, चरचरी अदरक भी उगती है।
तो ये जो भारत को एक भौगोलिक विशेषता जो है, इसका वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम 425 करोड़ लोगों के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे सकते हैं। हमें वापस लौटना पड़ेगा गांव की तरफ। हमने अपने लाइफ स्टॉक को पिछले 150 साल में अगर हम देखें तो विकसित देशों ने योजना पूर्वक हमारे स्ट्रेंथ एरिया को क्रश किया है। ट्रैक्टर अगर हम पहला यंत्र देखें कृषि का मैकेनाइज्ड, और पहली रासायनिक खाद देखें, तो ये सिर्फ 150 वर्ष पहले आई है और हमारे पूरे एग्रीकल्चर पे कब्जा किया है। हमारे गौवंश को एकीकृत ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था, इंटीग्रेटेड एग्री रूरल इकोनॉमी से हटा दिया, उसे आइदर मिल्क और मीट का जरिया बना दिया। हमने 2015 में 2014 के मुकाबले 20% ज्यादा मीट एक्सपोर्ट किया है, लगभग 24 लाख टन, और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर 23% के साथ हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो हमें अपने लाइफ स्टॉक को अपने एग्रीकल्चर में दोबारा एस्टेब्लिश करना होगा, तब हमें पता लगेगा दूध तो बाय प्रोडक्ट है, उसका गोबर इस धरती पे बिखरा हुआ, चप्पे चप्पे पे बिखरा हुआ सोना है। ये इस बजट में 19-20 में 80,000 करोड़ रुपया यूरिया कंपनियों को सब्सिडी दी है सरकार ने। ये लाइफ स्टॉक हमें उस सब्सिडी से बचा सकता है, 80,000 करोड़ रुपए का ये डायरेक्ट बेनिफिट है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए का हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, हमारी फॉरेन करेंसी बचा सकता है। ये जो केमिकल फार्मिंग होती है, भले ही हरित क्रांति के नाम पे हमने अनेक भगवान गढ़े, लेकिन उन्होंने खेती का रासायनीकरण ही किया है, कोई मौलिक चिंता नहीं दिया है समस्याओं की जटिलताओं में जाकर उसके समाधान नहीं ढूंढे हैं। उन्होंने खेती का मशीनीकरण किया है, उन्होंने खेती का जहरीलीकरण किया है। उससे क्या हुआ है, 1951 में 1951 एक हेक्टेयर में 2 किलो यूरिया डलता था, ग्रीन रेवोल्यूशन के साल में 66-67 में 6-7 किलो डलता था, आज एवरेज 135 किलो डलता है, कुछ जिलों में 400 किलो तक डलता है। पिछले वर्ष भारत के खेतों में 5300 करोड़ किलोग्राम रासायनिक जहर खाद और कीटनाशकों के रूप में छिड़का गया। हर आदमी के मान हिस्से अगर लगा ले भारत की जनसंख्या में, तो हर आदमी ने 4 किलो हर महीने खाया। उससे क्या हो रहा है, 20% एडल्ट पॉपुलेशन ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई, 10 करोड़ के लगभग नॉन, बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है ग्रामीण भारत में डायबिटिक हो गए। खुद सरकार ने लोकसभा में बताया है 15 जुलाई 2014 को कि जहां हरित क्रांति हुई है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, इनमें 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15 में 4,43,397 लोग कैंसर से मर गए हैं। मेरा दावा है कि हम जितने यहां लोग बैठे हैं या जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो इस रोग से पीड़ित किसी ना किसी व्यक्ति को जरूर जानते हैं। और इन बीमारियों के इलाज में लगभग 25% लोग जो बीपीएल से परिश्रम करके ऊपर आते हैं, इस बीमारी के इलाज के कारण, महंगे खर्च के कारण वापिस बीपीएल से नीचे चले जाए, तो ये बड़ा एक विशेष सर्कल, एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हमें वापिस लौटना पड़ेगा, हमें अपने लाइफ स्टॉक को रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। हमारे प्रवासी श्रमिक कोरोना के काल में शहर से, शहर के अभिजात्य समाज से, अमीरों से और सरकार से अनेक प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव लेके गए हैं, उनके बहुत विश्वास भी टूटे हैं।
उसके कारण रूरल अर्बन डिवाइड भी नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है, लेकिन हमें सोचना चाहिए वो सब लोग। इसके अलावा अनेक प्रकार के व्यावसायिक कौशल, अनेक प्रकार के औद्योगिक कौशल और अनेक प्रकार के व्यापार की चतुराइयां सीखकर भी गए। हमें उन श्रमिकों का नियोजन गांवों में वापस करना पड़ेगा एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। हम दुनिया को कम्पीट करेंगे, टेक्नोलॉजी से करेंगे। हर जिले में हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, नौजवानों को टाइम देना पड़ेगा, जिंदगियां देनी पड़ेंगी, एक साल देना पड़ेगा करियर का, दो साल देने पड़ेंगे कि मैं जाऊंगा जिलों में। और मार्केटिंग के जितने डायमेंशंस होते हैं, प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक सर्टिफाई करने के जितने तरीके होते हैं, मैं वहां सिखाऊंगा। मैं 6 लड़कों का जिले में ग्रुप बनाऊंगा जो किसान को ऑर्गेनिक कैसे तीसरे साल में हो जाता है फसल, कैसे उसको ऑर्गेनिक ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है, दुनिया को दिखाई दे कि ये किसान ऑर्गेनिक सब्जियां बेचता है, ये किसान ऑर्गेनिक फल बेचता है, कैसे उसकी मॉडर्न प्रोसेसिंग करनी है, कैसे पैकेजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है वो करनी है, कैसे सरकार की जो फाइनेंस की योजनाएं हैं या इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे इसमें अट्रैक्ट किया जा सकता है, और कैसे ई कॉमर्स के द्वारा हम लेते हैं चुनौती, हम वर्ल्ड वाइड लोगों को जो ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, जो बीमार हो गए हैं, जो मोटे हो गए हैं, जो शुगर ग्रसित हो गए हैं, जो बीपी ग्रसित हो गए हैं, उनको हम मानवता की सेवा करेंगे। 400-425 करोड़ लोगों को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस देंगे। देसी गायों को अच्छा, 28 प्रकार की नस्लें हैं हमारे यहाँ भारत में, नागौरी गाय भी है, साहिवाल गाय भी है। तो इतनी जो हमारा स्ट्रेंथ एरिया है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारी फर्टाइल लैंड है, इस पे हम एक अपने मवेशी को दोबारा एक इंटीग्रेटेड एग्री रूरल जो हमारा एक मॉडल है उसमें हम इससे एक प्रकार से हम रास्ता निकाल सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को अगर हम देखें, उसने हमें बताया है कि भारत में जो है जो वैश्वीकरण के नाम पर जो एक रास्ता अपनाया गया कि गांव से लोगों को धकेलो 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 शहर की तरफ, भले वो शहर में स्लम में रहें, फुटपाथ में रहें, झुग्गी झोंपड़ी में रहें, हम उसको अर्बनाइजेशन करते रहे नीति आयोग की मीटिंगों में कि इतने % इंडिया हैज बीन अर्बनाइज्ड, बट वो फुटपाथ पे रह रहे हैं, वो स्लम्स में रहे हैं, उनको पानी नहीं है। इतना सब करने के बाद भी कि गांव से रोड मत दो, गांव को मेडिकल फैसिलिटीज मत दो, गांव को स्कूल मत दो, गांव के एम्प्लॉयमेंट मत दो, झक मार के लोग जाएंगे, उसके बाद भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि भारत में, ये 2015 को पब्लिश हुई है, कि 24,39,00,000 परिवार है जिसमें से इतने धक्के मारने के बाद भी 17,91,00,000 परिवार गांवों में ही रहते हैं आज। और ये जो कोरोना हुआ है इसके बाद मेरा मानना है 80% से अधिक भारत तो गांवों में होगा। तो हम किसका विकास कर रहे हैं यहाँ 450 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर मेट्रो बनाकर, जिसकी सुरंगों में इस वक्त जाले लगे हुए हैं, चमगादड़ घूम रहे हैं, सांप घूम रहे हैं, पक्षियों के घोंसले घूम रहे हैं, जो पैरासाइट है। मेट्रो अपने एक ऑटो वाला अपनी आमदनी से जिंदा रह सकता है, ऑटो की किस्त चुका सकता है, मेट्रो जिंदा नहीं रह सकती। उसने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडवर्टाइजमेंट्स के रेवेन्यू पे कब्जा किया तब मेट्रो जिंदा है। उसने मेट्रो के नाम पे ली गई जमीन को कॉरपोरेशन का स्कूटर पार्किंग, कार पार्किंग के रेवेन्यू को कैप्चर किया है तो जिंदा है मेट्रो। मेट्रो मॉल बना रही है, मेट्रो अपार्टमेंट्स बना रही है तो जिंदा है मेट्रो, और तब जिंदा है जब उसको कौड़ियों के भाव जमीन मिली है, पेड़ काटने के लिए बिना रोक टोक अनुमति मिली है, पूरे NCR का ग्राउंड वाटर नष्ट करने के लिए, हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए उसको अनुमति मिली है। तो ये पैरासाइट, ये दे आर सफिशियंट अनफ टू मेक ए लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट बैंकरप्ट। तो हमें वापस गांव पर जाना पड़ेगा
और हमें उस गांव के विकास से ही, अगर गांव खड़ा हो गया तो देश को खड़ा कर लेगा, अदरवाइज वर्तमान जो विकास का मॉडल है ये न तो खुद खड़ा रह सकता है और न ही गांव को खड़ा कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने स्वदेशी के पूर्ण अधिष्ठान को एक 360 डिग्री रूप से, समग्र रूप से हमको समझाया। ये बहुत ही आई वुड से दीज आर रियली द रेवलेशंस जो कि आम जनश्रुति से बिल्कुल छुपी रहती हैं, और हमें आशा है कि ये जो भारत को री इंजीनियर करने का, ये जो अत्यधिक विकास का जो मॉडल है उससे री इंजीनियर करके जो हमारी देशज समझ है जो इतने हजारों वर्ष तक रही, इतने प्रभावशाली आंकड़ों से और इतनी दलीलों से आपने इसको सत्यापित किया, हम सभी इससे लाभान्वित होंगे और अपनी थोड़ी थोड़ी इस महान यज्ञ में, ये जो आत्मनिर्भर भारत का यज्ञ का आहूतिकरण हुआ है, हम उसमें सभी अपना योगदान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।